हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप फ्रॉम यू यू आर वेरी वेरी वेल, हैप्पी एंड सेफ एट योर होम. सो डोंट वरी अबाउट योर स्टडी, बिकॉज आई एम हियर टू कोऑपरेट यू ऑलवेज एंड गाइड यू ऑलवेज. आई एम योर इंग्लिश टीचर मानसी मैम. सो लेट्स स्टार्ट. टुडे वी आर गोइंग टू राइट डाउन क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम 11th चैप्टर, हम्बल गिफ्ट ऑफ लव. ओके, how did Sudama feels when Krishna asked him what he had carried in his bundle? How did Krishna make Sudama understand the true value of gifts? How did Sudama feel when Krishna asked him what he had carried in his bundle? How did Krishna make Sudama understand the true value of gifts? This is question number one. Okay, question number one aapko likhna hai isse. ठीक है, अब इसका आंसर लिखते हैं. चलिए पहले तो नोटबुक लेकर के लिखते चलिए आप साथ में ही मेरे, ठीक है, ताकि फिर आपको दिक्कत ना हो. एक बार मैं और रिपीट कर रही हूँ. क्वेश्चन है, हाउ डिड सुदामा फील व्हेन कृष्णा आस्क्ड हिम व्हाट ही हैड कैरीड इन हिज बंडल. कि क्या सुदामा को महसूस हुआ जब कृष्णा ने उससे बोला कि तुम अपने बंडल में क्या लेकर आए, क्या लिए हो. ठीक है, हाउ डिड कृष्णा मेक सुदामा अंडरस्टैंड द ट्रू वैल्यू ऑफ गिफ्ट्स. उसके बाद कृष्णा ने किस तरीके से समझाया गिफ्ट की असली वैल्यू क्या होती है. ठीक है, व्हाट, चलिए आंसर लिखते हैं इसका. आंसर लिखिएगा, सुदामा वॉज थिंकिंग How could he give a poor man's poha to powerful king like Krishna? सुदामा क्या सोचने लगा कि कैसे ये गरीब आदमी का पोहा इतने ही पावरफुल, इतने शक्तिशाली कृष्णा को, इतने जो भव्य है द्वारकाधीश हैं, तो कृष्णा को कैसे मैं दूँ ये गरीब इंसान का पोहा. वन हु हैज़ एवरीथिंग, जिसके पास सभी सब कुछ है, जिसके पास सारी चीज़ें हैं. ठीक है, वन हु हैज़ एवरीथिंग, हैंस कृष्णा टोल्ड हिम. तो कृष्णा ने उन्हें समझाया दैट अ सिंपल गिफ्ट ऑफर्ड विथ लव इज मोर प्रीशियस देन एन एक्सपेंसिव गिफ्ट ऑफर्ड विदाउट लव. तब कृष्णा ने उन्हें समझाया कि अगर एक सिंपल गिफ्ट सच्चे मन से और स्नेह से दिया जाए तो वो कीमती गिफ्ट से भी ज़्यादा कीमती होता है. क्योंकि अगर कीमती गिफ्ट दिया जाएगा और विदाउट लव दिया जाएगा, विदाउट स्नेह दिया जाएगा, विदाउट मतलब प्यार से नहीं दिया जाएगा, चाहे जितना भी एक्सपेंसिव गिफ्ट हो वो बेकार होता है. और अगर प्यार से दिया गया कोई गिफ्ट हो, चाहे वो जितना भी सिंपल हो, वो बहुत अच्छा होता है. ठीक है ना, तो ये कृष्णा ने उन्हें वैल्यू समझाई. इसके बाद एक बार मैं और रिवाइज करवाती हूँ. सुदामा वॉज थिंकिंग, हाउ कुड ही गिव अ पुअर मैंस पोहा टू पावरफुल किंग लाइक कृष्णा, वन हु हैज एवरीथिंग. ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट ए जो है वो कंप्लीट हो गया यहाँ तक. ठीक है ना, उसके बाद फिर वो था कि कृष्णा ने उसे कैसे रियलाइज कराया कि गिफ्ट का क्या असली वैल्यू क्या है. हैंस कृष्णा टोल्ड हिम व्हाट अ सिंपल गिफ्ट ऑफर्ड विथ टोल्ड हिम दैट सिंपल गिफ्ट ऑफर्ड विथ लव इज मोर प्रेशियस देन एन एक्सपेंसिव गिफ्ट ऑफर्ड विथ लव. ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं. व्हाट टस्ट कृष्णा मोस्ट अबाउट सुदामाज विजिट टू द्वारका. व्हाट टस्ट कृष्णा मोस्ट अबाउट सुदामाज विजिट टू द्वारका. How did he bless Sudama and his family? Why? ठीक है ना, How does Krishna most about Sudama's visit to Dwarka? And how did he bless Sudama and his family? Why? कि कैसे सुदामा को अपने विजिट याद रहा और क्या उसका कृष्णा जी ने क्या कृष्णा ने क्या किया उन उसका और उसकी फैमिली का भला किया, क्यों किया. ठीक है, ये बात आ रही है. तो ये आंसर लिखिएगा, व्हाट टच कृष्णा मोस्ट अबाउट सुदामा विजिट वाज दैट ही हैड कम टू द्वारका जस्ट टू मीट हिम.
कि कृष्णा को सबसे ज्यादा ये अच्छा लगा कि द्वारका वो आया है वो भी उनसे मिलने। ही डिड नॉट आस्क एनीथिंग फ्रॉम हिम, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया पूछा। कृष्णा ब्लेस सुदामा बाय गिविंग हिम अ मेंशन एंड हिज चिल्ड्रन न्यू क्लॉथ टू वियर। और कृष्णा ने उनका कैसे ब्लेस भला किया कि उनके बच्चों को और उनने उनकी वाइफ को उनकी फैमिली को दे करके क्या क्लॉथ्स और मेंशन नए नए कपड़े और पैलेस रहने को दिया। द ऑल नोइंग कृष्णा हैड ब्लेस्ड सुदामा विथ एनॉर्मस वेल्थ इन एक्सचेंज ऑफ द हैंडफुल ऑफ पोहा अ हम्बल गिफ्ट ऑफ लव। और सब कुछ जानने वाले कृष्ण भगवान ने उनका भला किया सिर्फ एक, हाँ, एक मुट्ठी पोहा के बदले। एक मुट्ठी पोहा जो कि बहुत प्यार से देकर आते हैं सुदामा जी कृष्ण को, तो उसके बदले उन्होंने उनका सब कुछ वापस दे दिया। इट मीन्स उनका एक और स्टोरी आती है कि एक टाइम पर चने सुदामा ने खा लिए थे कृष्ण भगवान के, जो कि कहते हैं कि किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहिए, तो जिस वजह से फिर वो गरीब रह गए थे। तो एक तरीके से इसको ये भी कह सकते हैं कि उनको वापस से सारा कुछ मिल गया सिर्फ कृष्णा के ही होने पे, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, अब इसको आप लिख करके मेरे को सेंड कर दीजिए। गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ।